अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोर्ट गुलाम मोहम्मद डिवीजन ब्यूरो चीफ कारी निसार अहमद अराई, वॉइस न्यूज़ लाहौर। कोर्ट गुलाम मोहम्मद 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अल मुर्तजा इमाम बारगाह खोसू मोहल्ला से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर चलता रहा और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पर गया, जिनमें इमाम बारगाह हाजी शाह मस्त, करबला इमाम बारगाह, मरकजी इमाम बारगाह फकीर सलेमान शाह बलेदी, सैयद काजमिया इमाम बारगाह, अल मुर्तजा इमाम बारगाह पर पहुंचकर सबेर लंगर न्याज की। अजादारों ने मातम और धमाल के पूरा दिन काफिला अपने रोड पर चलता रहा। संजीव सनी मातम नोहा फानी करते रहे। अजादार जब इस मौके पर पाक सिंध रेंजर्स कासिम विंग, सिंध पुलिस स्पेशल ब्रांच DIB CD ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे। इमाम बारगाहों और जुलूस में शरीक होने वाले अजादारों की सख्त चेकिंग के बाद शरीक होने दिया। इमाम बारगाहों पर लेडीज पुलिस ने लेडीज मजालिस में सख्त चेकिंग में दाखिल होने दिया। तालुका अस्पताल के अमला डॉक्टरों समेत जुलूस के साथ रहा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर राना अबू बकर, मुख्तियार कार नजीर खास हेली, टाउन कमेटी वॉइस चेयरमैन मियाँ अमजद सईद अराई, टाउन अमला शरीक था। जुलूस मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। वापडा हिस्को कोर्ट गुलाम मोहम्मद चेयरमैन नवीद रजा कायम खानी वापडा अमले समेत जुलूस में शरीक रहा। जुलूस रात गए मरकजी इमाम बारगाह पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ शाम गरीबा की मजलिस मुनक़िद हुई, लंगर न्याज कराया गया अजादारों को।